एनएमडीसी में 13 नंबर खदान को लेकर चल रहे आदिवासियों के आंदोलन को समर्थन देने जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी लोह नगरी पहुंचे और ग्रामीण आदिवासियों को संबोधित किया। जोगी ने मुख्यमंत्री बघेल पर आरोप लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं, अगर वे चाहें तो ये अडानी के साथ हुए अनुबंध 2 मिनट में रद्द कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि कवासी लखमा मेरे छोटे भाई हैं और आज बस्तर के बड़े नेता और सरकार में उद्योग मंत्री हैं, वे खुद इस अनुबंध को रद्द कर सकते हैं, हम किसी भी हाल में खदान खुलने नहीं देंगे। आप बस्तर में अकेले मंत्री हैं और बस्तर को आप सबसे बड़ा नेता हैं, आज भूपेश बघेल मुख्यमंत्री आपका सब बात मानता है, आप मंत्रिमंडल में रहिए, मंत्रिमंडल में ये बात उठाइए। जैसे आपने जब मैं मुख्यमंत्री था तो कवासी लखमा मेरे साथ कन्ने से कन्ना मिला था, जब सांसों को अधिकार से बेचा था तो उस आंदोलन में मेरे साथ, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि इस आंदोलन का भी नेतृत्व करो, आपका पूरा अधिकार है, आपका ये कर्तव्य बनता है, आपको जो सुनकर लोगों ने भेजा है, आपको जो मंत्रियों का पद मिला है, इन लोगों की गुजारिश है कि कवासी लखमा, मैं जानता हूँ उसके दिल में आदिवासियों के लिए प्राण है, जो आदिवासी है और आदिवासियों का हित समझता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मंत्री पद कुछ नहीं है कवासी भाई, मंत्री पद कुछ नहीं है, मंत्री पंखे रहते हैं, मंत्री बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मैं भी कभी मुख्यमंत्री था, आज नहीं, आप आज मंत्री हैं और लाल लल्ले और ये कह दीजिए भूपेश बघेल मंत्रिमंडल में, जो अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप इस्तीफा देकर ये स्थान में आकर हमारी माता की लड़ाई, हमारी देवी की लड़ाई, हमारी किसान नेता की लड़ाई आप लड़ोगे, जरूरत होगी तो आप सबसे इस्तीफा देंगे, मेरी वृत्ति सोनी सोनी में आ गई है, ये दो दिन से लगातार मेरे से फोन के बाद चल रही थी, मैं फिर से आपसे कहूंगा कोई हमको कमजोर न समझे, कोई आदिवासी को कमजोर न समझे, क्योंकि इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस पर खबरों का सिलसिला लगा